नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा सिर्फ मोदी के स्वागत के मद्देनजर ही ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इसलिए भी ऐतिहासिक है कि भारत ने इसराइल के साथ 7 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इसराइल यात्रा के दूसरे दिन मेजबान देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें गंगा की सफाई से लेकर एटॉमिक क्लॉक को लेकर हुए समझौते शामिल हैं। भारत और इसराइल के बीच जो 7 समझौते हुए उनमें 4 करोड़ डॉलर का एक समझौता तकनीक के अपग्रेडेशन के क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा 3 एमओयू अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए। इनमें इसरो और इसराइल के अंतरिक्ष संगठन के बीच छोटे सैटेलाइट को लेकर एक समझौता, इसरो और इसराइल अंतरिक्ष संगठन के बीच जियो लिंक के लिए समझौता तथा एटॉमिक क्लॉक में सहयोग का एक समझौता शामिल है। वहीं कृषि क्षेत्र में विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का भी समझौता हुआ है। भारत और इसराइल के बीच 5वां समझौता पेयजल और सफाई व्यवस्था तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा यूपी में क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए भी एक समझौता हुआ। इसके अलावा कृषि के विकास के क्षेत्र में भी इसराइल के साथ समझौता हुआ। कुल मिलाकर देखें तो भारत ने इसराइल के साथ जमीन से लेकर आसमान तक के लिए कई समझौते किए हैं, और इस समझौते में सबसे जरूरी समझौता गंगा सफाई वाला समझौता भी है, जो भारत और मोदी सरकार के लिए आने वाले चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।